बोटाच्या एका स्पर्शाने संबंध जगातील घडामोडी व दिग्गजांच्या प्रतिक्रिया पाहण्यासाठी राजमुद्रा न्यूज लाईव्ह हे ॲप डाउनलोड करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. नमस्कार, मी गणेश शिंदे, आपलं सर्वांचं राजमुद्रा न्यूज लाईव्ह मध्ये स्वागत. आज आज आपण बातमी बघणार आहोत की मुंबई येथील घाटकोपर पश्चिमचे तब्बल 3 टर्म आमदार राहिलेले, जनसेवा हीच ईश्वरसेवा म्हणून एक मतदारसंघामध्ये चांगल्या प्रकारचं काम करणारे, त्यासोबतच आजचा कोरोना काळामध्ये देखील रक्तदान शिबिराचं आयोजन करणं आणि प्रत्येक रुग्णालयातील रुग्णांना जेवणाची सुविधा सोय करणं आणि जे अन्न वाचून जो गोरगरिबांचे जे हाल होत आहे त्यांना देखील दररोज गेली 1 वर्षापासून सातत्याने जेवणाची त्यांची सोय करणारे आमदार दयावान, डॅशिंग आणि कर्तव्यदक्ष आमदार म्हणून ज्यांची महाराष्ट्रभर ओळख आहे हे आमदार, आणि त्यासोबतच त्यांची दह्यांडी म्हणलं की त्यांची एक नाव समोर येते महाराष्ट्रातली सर्वात मोठी दह्यांडी देखील घेणारे राम कदम आमदार साहेब आहेत. आणि त्यामध्येच केंद्र शासनाने जाहीर केलेलं आहे की 1 मे पासून 18 वर्षाच्या वरील सर्वांना व्हॅक्सिन देण्याचा जाहीर केलेला आहे. त्यासोबतच जर व्हॅक्सिन जर दिली तर 6 महिने रक्तदान करता येणार नाही आणि रक्त हे कुठं कारखान्यात तयार होत नसून एक स्वतः केल्याशिवाय रक्तदान तयार होत नाही आणि जीव वाचत नाही, हाच डोळ्यासमोर उद्देश ठेवून राम कदम यांनी त्यांच्या मतदारसंघातील सर्व ठिकाणी जास्तीत जास्त रक्तदान शिबिर आयोजित केले आणि रक्तदान करून दिलं. त्यासोबतच त्यांनी दिनांक 2 मे रोजी त्यांच्या राम दरबार येथे दर शनिवारी राम दरबार भरवला जातो आणि तिथेच 2 मे रोजी त्यांनी रक्तदान शिबिराचं आयोजन केलं होतं. या रक्तदान शिबिरामध्ये 1000 कार्यकर्त्यांनी रक्तदान केलेलं आहे आणि राम कदम साहेबांनी आमच्या प्रतिनिधीशी बोलताना अशी माहिती दिली की रक्तदान सर्वांनी करा, महाराष्ट्रामध्ये सर्व ठिकाणी रक्तदान केलं पाहिजे, जर तुम्ही रक्तदान केल्यानंतर आपण अनेकांचे जीव देखील वाचू शकतो. या संदर्भात त्यांचे स्वसहाय्यक ज्ञानोबा वाळके यांनी आमच्या प्रतिनिधीशी दिलेली माहिती त्या संदर्भात आपण सविस्तर पाहूया. नमस्कार, आज आपल्यासोबत घाटकोपर पश्चिमचे त्याचप्रमाणे महाराष्ट्राचे प्रवक्ते आमदार श्री राम कदम साहेब या ठिकाणी आलेले आहेत. आपल्याला माहितीच आहे गेली कित्येक वर्ष घाटकोपर पश्चिममध्ये खूप असे दान आहेत जे आमदार राम कदम साहेब यांच्यातर्फे होत आहेत. आपण पाहत आहोत कोरोना काळामध्ये बहुतेक जणांचे काम गेलेले आहे, कामधंदा नाही, लोकांना बेकारी वाढलेली आहे. म्हणूनच आमदार राम कदम साहेब यांच्या वतीने अन्नदानाचं काम या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात होत आहे. ही व्हॅन आहे बघा, राम कदम साहेब पूर्ण घाटकोपर पश्चिममध्ये ही व्हॅन फिरत असते. हजारो लोकांना 2 टाईम मोफत जेवण फुकटमध्ये या ठिकाणी दिलं जातं, पोट भरून जेवण खूप चांगल्या पद्धतीचं अन्न या ठिकाणी आमदार राम कदम साहेब यांच्यातर्फे दिलं जातं. मी घाटकोपर पश्चिमच्या वतीने तसे समस्त जनतेच्या वतीने राम कदम साहेबांचे खूप धन्यवाद मानतो. बोलू जय श्रीराम.
संदीपकर पाटिल भारतीय जनता पार्टी वार्ड 123 वार्ड अध्यक्ष। यहाँ पर जब से कोरोना काल नहीं शुरू हुआ था उससे पहले से भी यहाँ पर माननीय आमदार श्री राम कदम जी की तरफ से जो जिन लोगों को जिनकी भोजन की व्यवस्था नहीं है उन्हें दो समय का अन्नदान किया जाता है और ये सेवा निरंतर शुरू है, सिर्फ कोविड में शुरू है ऐसे नहीं, निरंतर शुरू है। और माननीय विधायक जी की तरफ से और भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के उपक्रम शुरू है। उन्होंने कल ही अपना एक वीडियो भी अपलोड किया है और उन्होंने ओम चैरिटेबल ट्रस्ट, इस ट्रस्ट में सभी लोगों से अपील की है कि आप सभी अपना योगदान दें, आपका जो भी योगदान होगा इससे भूखों को निरंतर भोजन की तो व्यवस्था की जाएगी। ऐसे ही कोविड में जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है, जिन लोगों को बेड की जरूरत है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की जरूरत है, दवाइयों की जरूरत है, उन सभी को मदद की जाएगी निश्चित रूप से। मैं सभी लोगों से आह्वान करता हूँ, घाटकोपर पश्चिम की तमाम जनता से आह्वान करता हूँ, आप लोग बढ़ चढ़ कर माननीय विधायक श्री राम कदम जी के इस उपक्रम में हिस्सा लीजिए और जरूर से जरूर दान कीजिए। आपका जो भी दान होगा उससे किसी ना किसी की सेवा में वो पैसा लगेगा और इस तरह से आप सभी अपना योगदान इसमें दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, भारत माता की। आज मी स्वतः विक्रोळी पार्क साइड या आमच्या भाजपच्या कार्यालयात रक्तदान करतो आहोत। माझ्यासोबत आमचे मंडल अध्यक्ष अनिल निर्मलेजी पण आहेत, शिंदारी कृष्णा आहे। पूर्ण घाटकोपर वासियांना माझं आवाहन आहे की आपल्या घाटकोपरमधले साधारणतः 5600 वर पेशंट्स अजूनही कोरोनाशी झुंज देत आहेत। या सगळ्या पेशंटला रक्ताची आवश्यकता अत्यंत तीव्रतेने भासते आणि रक्ताचा तुटवडा आहे, म्हणून मी स्वतः रक्तदान करतो आहे मुंबई पार्कसाईडमध्ये। आपण पूर्ण घाटकोपरमध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी नियमांचं पालन करत रक्तदान शिबिर आयोजित करत आहोत। आजही पार्कसाईडमध्ये जे कोण करू शकणार असतील त्यांनी शाम्पू किती वेळ घातला, शामको 4 बजे संध्याकाळी 4 वाजेपर्यंत या ठिकाणी रक्तदान BJP जांभळी नाक्याच्या ऑफिसच्या कार्यालयामध्ये आपण ठेवलं आहे, आपण जरूर रक्तदान करा। रक्तदानासारखं श्रेष्ठ दान कोणतंही नाही। आपल्याला माहिती आहे की अन्नदानाचं काम गेली अनेक वर्ष सातत्यानं दुपार संध्याकाळ सुरू आहे, इतरांनी सुरू केलं पण इतरांचं दुर्दैवानं मधल्या काळात बंद झालं, पण आपण सुरू केलेलं अन्नदान आजही दुपार संध्याकाळ घाटकोपरमध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी गरजू लोकांना वाटण्याचं काम सुरू आहे। आज मैं घाटकोपर विक्रोळी पार्क साइड के BJP के इस कार्यालय में
रक्तदान स्वयं कर रहा हूँ। मेरे साथ हमारे मंडल अध्यक्ष अनिल नेमदे जी भी है, बगल में हमारे वरिष्ठ नेता कृष्णा जी है, वार्ड अध्यक्ष संदीप त्रिपाठी जी है, सभी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिलाध्यक्ष भी आए हैं यहाँ पर। मैं स्वयं यहाँ पर आज कुल्लू पालशेड में रक्तदान कर रहा हूँ। शाम को 4 बजे तक इस बीजेपी के कार्यालय में रक्तदान का कार्यक्रम चलेगा। हमारे घाटकोपर के 5,600 से अधिक लोग आज भी कोरोना से जूझ रहे हैं। खून की बहुत बड़ी किल्लत है और इस खून की किल्लत के कारण ब्लड बैंकों में भी ब्लड नहीं है, तो हमने हमारे भाइयों के लिए ब्लड देने की आवश्यकता है। युवा मोर्चा की ओर से चेतन भी यहाँ पर आए हैं और चेतन ने भी पूरे घाटकोपर में अलग अलग जगहों पर ब्लड डोनेशन का एक अच्छा युवाओं का काम आरंभ किया है। आज मैं पार्षद में स्वयं ब्लड दे रहा हूँ। आपसे मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि संदीप त्रिपाठी जी के नेतृत्व में होने वाला ये ब्लड डोनेशन कैंप आप सब लोग शाम को 4 बजे तक आकर के गर्म ब्लड दें और ये खून हमारे घाटकोपर के, हमारे मुंबई के उन लोगों के काम आएगा जो प्राणों के साथ एक कड़ी जंग लड़ रहे हैं। तो इस समय अगर हम उनके काम नहीं आए खून लेकर के तो क्या काम है। ये ब्लड डोनेशन के साथ साथ प्लाज्मा डोनेशन का भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हम हमारे मंडल अध्यक्ष अनिल निर्मल जी के नेतृत्व में पूरे घाटकोपर में करने जा रहे हैं, क्योंकि जिसे कोविड हुआ है वो व्यक्ति अगर अपना प्लाज्मा डोनेट करे तो जिसे कोविड हुआ है और जिसे सांस लेने की तकलीफ हो रही है, ऑक्सीजन की किल्लत है, ऐसे पेशेंट को यदि प्लाज्मा दिया जाए तो वो बहुत जल्दी रिकवर होता है। तो ये ब्लड डोनेशन का बहुत बड़े लेवल पे पूरे घाटकोपर का अलग अलग जगहों पर हम ये कैंप ले रहे हैं एक युवाओं के नाम, और इसके साथ साथ प्लाज्मा डोनेशन का भी आने वाले दिनों में बहुत बड़े पैमाने पर ये एक दान का कार्यक्रम होगा। आप सभी को प्रार्थना करता हूँ। और रोज शाम को 8 बजे घाटकोपर में क्या कोरोना की स्थिति है, कितने आंकड़े हैं, क्या नहीं है, इसकी जानकारी मैं दे रहा हूँ रोज शाम। और रोज शाम को मेरे वीडियो में आप देख सकते हो कि क्या स्थिति है कोरोना की, और फेसबुक पे भी देख सकते हो। कल मैंने आह्वान किया था कि जैसे अन्नदान है, लोगों को अनाज का दान करना है, ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लाना, बाकी बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें जो मरीज को बचाने का काम करती हैं, तो इस कामों में बहुत सारे लोग आगे आए और जिन्होंने दान देना आरंभ कर दिया है। मैंने बैंक का अकाउंट नंबर और RTGS दिया है, जो भी लोग इससे जुड़ना चाहे वे जुड़ सकते हैं। विशेष तौर पर बताऊँ कि इसकी तनख्वाह केवल मात्र 10,000 है, ऐसे भी कुछ लोग सामने आए और उन्होंने कहा कि भले कम न सही पर भले हम एक आदमी को भी यदि खाना खिला सके, एक आदमी के घर पर भी अनाज पहुँचा सके, दुआ का काम है। ऐसे भी छोटे मोटे सभी लोग इस दान के कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। आप सभी से भी आग्रह है कि आप सब लोग होम चैरिटेबल ट्रस्ट इस अकाउंट पे डायरेक्ट अपना जो योगदान है वो RTGS कर सकते हैं, और ये सारा का सारा पैसा उन लोगों तक अलग अलग माध्यमों से पहुँचेगा जिनको इस समय इस संकट काल में बहुत जरूरी है। बीच में भी आपने देखा होगा कि लोगों को लगा कि कोरोना खत्म हुआ, उस समय भी दोपहर को शाम को जो गाड़ी है भोजन रूप को देने की वो गाड़ी चल रही थी। आगे भी ये निरंतर सेवा का काम चलता रहेगा। अनिल भाई बोलिए। संदीप भाई आप ही बोल रहे हैं। संदीप भाई भैया
आम्ही रक्तदान करतो आहे, तुम्ही रक्तदान करा आणि कोविडच्या काळात फार कमतरता आहे आणि ऑक्टोबर पश्चिमच्या इथे बऱ्याच लोकांना रक्ताची गरज आहे. तुम्ही रक्तदान बोलून की प्लाझ्मा तर कोविडचे जेवढे पेशंट फार्मा डोनेशन करावं. आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय वार्ड 123 में हमारे माननीय खासदार श्री मनोज कुटक जी, हमारे आमदार श्री राम कदम जी, हमारे जिला के अध्यक्ष अशोक राय जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष अनिल निर्मले जी, इन सभी के आदेश के अनुसार जो पार्टी ने कहा था कि एक तारीख से आप सभी जानते हैं 18 साल के ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है और एक बार वैक्सीन लेने के बाद आप 28 दिनों तक रक्तदान नहीं कर सकते. अब इस समय आप देख रहे हैं बेड की कमी है, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी है, ऐसे ही जो खून की भी बहुत बड़ी किल्लत एक है उसको दूर करने के लिए हमारे सभी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया था कि हम रक्तदान करें. आज माननीय राम कदम जी ने यहाँ पर स्वयं रक्तदान किया है और युवाओं को प्रेरणा दी है, उन्हें कहा है, सभी युवाओं से उन्होंने अपील की है कि सभी लोग आकर यहाँ से रक्तदान करें, जहाँ कहीं भी आपको पॉसिबल है वहाँ रक्तदान करें, लेकिन रक्तदान जरूर करें क्योंकि रक्त एक ऐसी चीज है ये किसी मशीन द्वारा नहीं बनाई जा सकती. इसे सिर्फ एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को स्वेच्छा से दान दे सकता है. ये बहुत ही श्रेष्ठ दान है, महादान है. आप सभी से मैं भी हाथ जोड़कर विनती करूंगा, आप लोग सभी रक्तदान कीजिए और जो भी हमारे भाई बंधु जिन्हें इस रक्त की आवश्यकता है उनके तक ये रक्त पहुंचाइए. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत. आज भारतीय जनता पार्टी वार्ड क्रमांक 123 वार्ड अध्यक्ष श्री संदीप त्रिपाठी जी के नेतृत्व में और राम कदम जी के आशीर्वाद से इधर ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम किया जा रहा है. भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मुंबई में ऐसा अपील की है सभी लोगों से कि हर वार्ड में जहाँ पर जनप्रतिनिधि है वहाँ पर दो जगह पर और जहाँ जनप्रतिनिधि है वहाँ पर कम से कम एक जगह 100 बॉटल ब्लड का कलेक्शन किया जाए. इसलिए सभी लोग सभी कार्यकर्ता सभी कार्यकर्ता हमारे डॉक्टर सभी पदाधिकारी समाज के सभी लोग ये ब्लड डोनेशन जो मैं आज ऊपर पश्चिम विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं से जनता से निवेदन करता हूँ इस संकट के इस घड़ी में राष्ट्र को बचाने के लिए जो विश्व की आपत्ति आई है उसको आप सहज और सरल कर सकते हैं. एक ब्लड देने से 3 आदमी का फायदा होता है क्योंकि इसमें बहुत सी प्रक्रियाएं की जाती है और प्रक्रियाओं के आधार पर ब्लड का वर्गीकरण किया जाता है. मैं सबसे फिर से अनुरोध करूंगा जिला घाटों पर पश्चिम विधानसभा के सभी लोग आमदार राम कदम के नेतृत्व में अधिक से अधिक रक्तदान करें, ऐसी प्रार्थना. जय हिंद, जय भीम, जय भारत. ताजा घडामोडी पाहण्यासाठी राजमुद्रा न्यूज लाइव्ह ला सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन